हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट द परिवार। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगी आज का मौसम। सुबह से ही बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और पूरे में पानी पानी हो रहा है। तो बगीचे का मैं दूंगी आपको आज ओवरव्यू और मैं दिखाऊंगी कि मेरा बगीचा किस तरह का लग रहा है बारिश में। तो बारिश में होने से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी प्लांट कितने खूबसूरत लगे हैं। और ये देखिए पत्थर चट्टा। और फ्रेंड्स, इस समय जो है आप सभी प्लांट को देखेंगे कि उनकी जो है ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि बरसात का जो पानी होता है प्लांट के लिए काफी लाभदायक होता है, काफी बेहतरीन होता है। तो हमें जो है सभी प्लांट अपने इस समय बाहर रखने चाहिए, कोई भी प्लांट अपना हमें अंदर नहीं रखना चाहिए। जो हमें प्लांट पानी से बचाने हैं उनको बेशक आप अंदर रख सकते हैं, लेकिन जो प्लांट हमारे पानी से खराब नहीं होते। तो आप देखिए जो है कटिंग से मैंने गुड़हल का प्लांट लगाया था, कितना बड़ा हो रहा है बारिश में। तो बारिश में जो हमारे प्लांट होते हैं बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। आप ये देखिए इसकी पत्तियां, ये बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन बारिश में ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो रही हैं इसके। इस टाइम बारिश में ये प्लांट मर भी जाता है फ्रेंड्स, लेकिन नहीं, ये देखिए मैंने इसको यहीं पर रखा हुआ है और ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही सुंदर जो है लग रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं गुड़हल की जो है ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे से बढ़ रही है। ये हाइब्रिड है, अलग कलर का है, इसका फूल अभी मुझे नहीं पता किस कलर का होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरा का पूरा अपना गार्डन। तो बरसात के टाइम में कितना सुंदर गार्डन का लुक आ रहा है वो ही मैं आपको दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं सभी प्लांट कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो बरसात का जो मौसम होता है वो पौधों के लिए अमृत के समान होता है। ये देखिए कितने सारे इसके ऊपर फूल आए, पूरा का पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है इस टाइम। और सभी प्लांट आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से और कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं इस टाइम। और इस समय फ्रेंड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा कटिंग तैयार करके अपने बहुत सारे प्लांट तैयार करने हैं, क्योंकि इस समय आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे, परमानेंट प्लांट आपके जितने भी है जिनकी आप कटिंग लगाने में जो है नहीं लगा पाते हैं, तो उनकी सभी की इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये देखिए कोलियस के देखिए कितने सारे प्लांट हो गए हैं इस समय, कटिंग से तैयार किए हैं मैंने। तो इसी समय में आप बहुत सारे, ये देखिए सारे के सारे गुड़हल हैं, ये सब कटिंग से तैयार किए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जो है कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये आपको याद होगा कुल्हड़ का, जब मैंने अभी ये DIY बनाया था तो ये मैंने छोटी छोटी सी दो कटिंग लगाई थी उस समय, और अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है। ये देखिए विनका पे कितने अच्छे फूल आए हुए हैं। तो इस समय फ्रेंड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट अपने तैयार करने हैं अपने बगीचे के लिए। जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट है आपको सभी की कटिंग इस समय लगानी है। देखिए मोगरा पे कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है आपको सभी अपने प्लांट बहुत ज्यादा तैयार करने हैं, क्योंकि इस समय हम जितने ज्यादा प्लांट तैयार कर लेंगे उतने ही ज्यादा अच्छा है। ये देखिए पूरा का पूरा बगीचा कैसे खिला हुआ लग रहा है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है इसका यहाँ इस टाइम। ये देखिए कोचिया भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं, छोटे से गमले में लगे हुए हैं। बरसात में सभी की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है इस टाइम। और फूल भी फ्रेंड्स, बहुत सारे फूल आए हुए हैं हर प्लांट पर इस समय। ये भी मैंने कटिंग से गुड़हल तैयार किया था, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कितने सारे फूल आए हुए हैं। यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे प्लांट है जो मैंने कटिंग से तैयार किए थे। वो देखिए चंपा का प्लांट है, वो भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। तो इस समय फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा अपने प्लांट तैयार कीजिए। और इधर के एरिया मैंने जो मटकी गार्डन बनाया हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ से सभी प्लांट अपने हटा दिए हैं, क्योंकि प्लांट जो है बारिश में रहेंगे तो दुगनी ग्रोथ करेंगे और बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। और एक ये जो DIY बनाया था ये फिलहाल अभी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, इसको भी मैं बाहर बरसात में निकाल दूंगी यहाँ से। तो ये देखिए कितना अच्छा ये प्लांट इसके पीछे लगा हुआ है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि ये मोर की तरह से इसके पंख बन गए हैं। और इसकी जो मैंने जो बड़े हुए थे ये इसकी डंडियां ही देखी, तो उन सभी की मैंने कटिंग कर दी है ये देखिए, और कटिंग जो है मैंने गमले में लगा दी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे प्लांट तैयार करने हैं इस समय। ये देखिए कितने सुंदर जो है सभी प्लांट लग रहे हैं।
अंगूर की बेल देखिए कितनी ज्यादा फैल गई है। और इस समय फ्रेंड जो गमलों में से आपको अपने प्लांट जमीन में लगाने हैं तो आप इस समय निकाल करके सबको जमीन में लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट आपका खराब नहीं होगा। और कटिंग, अब मैं आई कटिंग की बारी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी मिट्टी तैयार करके सभी पॉलिथीन में करके रखी हुई है। फ्रेंड्स आपके पास ये जो है नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं तो ये नर्सरी से प्लांट की जो निकली हुई पॉलिथीन है वो मैंने सारी रखी हुई है और इनमें मिट्टी रखी हुई है, और कुछ में मैंने ये देखी यहाँ पर बहुत सारी कटिंग भी लगा दी है। तो ये देखिए जो हमारा प्लांट होता है एक लॉलीपॉप के नाम से, तो मेरे पास रेड कलर का है तो मैंने उसी की कटिंग लगाई हुई है। और ये देखिए वाइन कलर जो हमारी वाइन है ये पर्पल कलर वाली, तो मैंने इसकी भी दो कटिंग यहाँ पर लगाई हुई है फ्रेंड्स, एक ये है और एक ये है। और ये देखिए ये सारे के सारा जेड प्लांट की कटिंग है, इसके मैंने कई सारे ये देखिए। और ये देखिए ये चांदनी का प्लांट है, ये मोरपंखी है, और ये देखिए ये गुड़हल है, और ये एक्जोरा है, ये कनेर है, और वो फाइकस है, और ये स्नेक प्लांट है फ्रेंड्स, और ये नींबू का प्लांट है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको बहुत सारी कटिंग तैयार करनी है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सारी कटिंग तो मैंने लगा दी है, और जितने भी ये सारे बाकी की मेरी बची हुई है तो इनमें मैं सब में कटिंग लगाऊंगी अभी, क्योंकि बारिश का भी मौसम तो चल ही रहा है, और तो इस समय में हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कटिंग तैयार कर लेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे के सारे प्लांट हमारे चल रहे हैं इस समय बारिश में। ये देखिए गिलोय की बेल है और ये कहाँ तक फैलने वाली हो रही है, और ऊपर भी पूरे में इसने कवर कर लिया है। ये अमरूद का प्लांट है, ये थोड़ा सा झुक गया है, इसमें मैंने जो है कोई भी स्टिक नहीं लगाई थी, लेकिन बाद में ये हवा से अपने आप से सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सारे प्लांट मैंने जो है एक गमले में जो कई कई प्लांट मैंने लगाए हुए थे तो सबको मैंने अलग करके यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए ये लैटरीना है, और ये देखिए दो ये इस कलर का है रेड और येलो, और ये येलो कलर का है। तो इसको ये देखिए इस समय आपको फ्रेंड्स यही काम करने हैं सबसे ज़्यादा, अपने प्लांट की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग से प्लांट तैयार करें इस समय। ये अपराजिता है, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेरा आड़ू का प्लांट है, ये देखिए इसको मुझे यहाँ से ज़मीन में लगाना है, तो इसे मैंने बीज से उगाया है और उसको मैं अभी ज़मीन में लगाऊंगी, क्योंकि बरसात के मौसम में पेड़ का ख़राब होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो ये प्लांट मेरा ज़मीन में लगने के बाद बहुत ही अच्छे से चलेगा, तो इसको मुझे लगाना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट हैं जो मैंने इस समय, ये देखिए ये भी मैंने दो गमलों में तैयार कर दिए, एक कटिंग ये लगाई हुई है फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी से ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस समय जो है कटिंग से अपने प्लांट तैयार कीजिए, और बरसात के मौसम में नर्सरी से भी आप पौधे ला सकते हैं, इस समय आपका कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। और ये देखिए जलपरी का पौधा मैं लेके आई थी, और ये मैंने पानी में यहाँ पर फाउंटेन में डाल रखा है, इस समय इनके लिए टप लाने हैं फ्रेंड्स, तो टप में इनको लगाऊंगी। फिलहाल मैंने इनको ऐसी फाउंटेन में रख दिया है, और भी मैं नर्सरी से अभी प्लांट लेके आई हूँ जो प्लांट मेरे पास नहीं थे। तो ये देखिए सिंगोनियम है, और ये की रबड़ प्लांट है, और एक ये देखिए ये भी मनी प्लांट है, और एक ये सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी है। तो इस समय जो प्लांट मेरे पास नहीं थे वो मैं नर्सरी से लेके आई थी, ये बोगनविलिया है। ये कड़ी पत्ता है फ्रेंड, तो ये कड़ी पत्ता तो गमले में ही है, और एक कड़ी पत्ता मैंने जमीन में ये देखिए लगा रखा है, तो काफी बड़ा हो गया है, और नीचे नीचे से मैंने इसके सारे पत्ते जो है तोड़ रखे ताकि इसकी जो है ग्रोथ अच्छी हो और ये जो है ऊपर तक जाए, क्योंकि नीचे नीचे प्लांट फैल जाते हैं फिर जो है यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आप अमरूद का प्लांट देखिए, इसकी मैंने नीचे से सभी पत्ते हटा दिए हैं, और हटाती रहती हूँ समय समय पर, और ये देखिए काफी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, पत्ते बहुत हैं तो भारी हो गया है, तो इसीलिए जो है ऐसे थोड़ा बारिश की वजह से झुक गया है, क्योंकि आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको जितने भी अपने प्लांट इस समय डिवाइड करने हैं तो आप डिवाइड कर लीजिए, जिनकी रिपोर्टिंग करनी है रिपोर्टिंग कर लीजिए, और जितनी भी कटिंग लगानी है तो आप कटिंग इस समय तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं बारिश के मौसम में कितने सुंदर सारे प्लांट लग रहे हैं, और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है इस समय। आपको मैं इधर भी दिखाऊं,
देखिए गिलोय की बेल जो है नीचे तक आ रही है, तो ये इनकी डंडियों की कटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सारे गमलों पे यहाँ पर फैल जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स सारे प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये देखिए हार सिंगार। तो इस कितने बड़े इसके पत्ते हो रहे। तो फ्रेंड्स इस समय आपको जितने भी हमारे परमानेंट पौधे हैं सभी की कटिंग लगानी है, और ये गिलोय की बेल है अगर आप इसको भी लगाना चाहते हैं तो इसकी भी एक छोटी सी डंडी, आप इतनी सी डंडी तोड़ के भी कहीं लगा देंगे तो वो भी आपकी चल जाएगी। तो ये देखिए कितनी इसकी बड़ी बड़ी डंडी आ रही है, और ये देखिए स्पाइडर लिली कितने सुंदर फूल आए हुए हैं। तो इसको भी फ्रेंड्स पहले ये एक गमले में थी और फिर मैंने डिवाइड करके पांच गमलों में से लगाया, तो अब मेरे फिलहाल पांच गमले तैयार हो गए हैं। ये देखिए कढ़ी पत्ते का एक गमला और, ये देखिए और इस प्लांट की भी देखिए, इसकी मैंने दो कटिंग निकाल ली है फ्रेंड्स यहां से, एक ये निकाल ली और एक और, तो इनकी भी कटिंग मैंने निकाल करके देख सकते हैं आप यहाँ पर जो एक ये जो है यहाँ पर जेड प्लांट की कटिंग लगाई हुई है, तो उसी गमले में मैंने इसको लगा दिया है और एक कटिंग इसके अंदर लगा दी है। तो ये भी जेड प्लांट की सारी कटिंग है फ्रेंड्स, तो मैं आगे जो है इनको दूसरे गमलों में लगाऊंगी सभी को। तो इस समय देख सकते हैं बरसात में आप जितने भी प्लांट तैयार करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अब परमानेंट प्लांट हो आपके, चाहे जो है सभी प्लांट हमारे तैयार हो सकते हैं। ये देखिए ये लिली है फ्रेंड्स, कैन लिली, तो इसके भी मैं जो है अलग अलग करके इसको लगाऊंगी निकाल के, इससे भी मैं कई गमले अपने तैयार कर लूंगी। ये वाली भी देखिए लिली है मेरे पास, इसकी भी जो है चार वैरायटी हैं फ्रेंड्स अलग अलग तरह की, इस पर येलो कलर के फूल आते हैं और इस पर रेड कलर के। ये देखिए स्पाइडर लिली के जो मैंने डिवाइड करके लगाए थे, देखिए कितनी अच्छी इसकी इस टाइम ग्रोथ हो गई है बारिश की वजह से, और ये देखिए इसके ऊपर भी फूल आए हुए हैं, और तुलसा जी पे देखिए कितना बीज आया हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको जो है इसके बीज को अभी नहीं तोड़ा है, क्योंकि मैं तोड़ती रहती हूँ बार बार, लेकिन अब की अभी मैंने रखा हुआ है क्योंकि तुलसा जी के मुझे और बहुत सारे प्लांट चाहिए, तो उनको मैं अलग अलग लगाऊंगी, क्योंकि तुलसा जी जो है बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसके पत्ते हम चाय में डाल के पी सकते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तुलसा जी जो है बहुत ज़्यादा फायदे की है, ये हमारी दवाई में काम आती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कोलियस की कटिंग से ही देखिए किस तरह से मैंने तैयार किया, पूरा का पूरा मेरा गमला भर गया है। देखिए सिंगोनियम, पर्पल हार्ट, और ये देखिए गुड़हल का एक और प्लांट, ये भी कटिंग से तैयार किया, और कितना बड़ा ये हो रहा है। तो इस समय फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे जो है अपने प्लांट कटिंग से तैयार कर लिए, तो आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अपने तैयार कर लीजिए। तो मैं दिया अपने बगीचे का ओवरव्यू फ्रेंड्स, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस समय जो है ये देखिए ये प्लांट देखिए आप कितना ये भरा हुआ है, तो इसको भी मैं डिवाइड करके इसके लिए उसको भी मुझे अलग अलग गमलों में अब करूँगी मैं बरसात में। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप जो है अपने जितने भी प्लांट आपके आपको डिवाइड करने, तो इस समय आप कर सकते हैं। ये देखिए जेड प्लांट की कटिंग कितनी जल्दी से ग्रो कर रही है इस समय बरसात में, ये देखिए ये छोटी छोटी सी लगाई थी। तो इस समय फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट तैयार कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे, आपका गार्डन भरा रहेगा पौधों से, आपको ज़्यादा प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही कम बजट के अंदर आपके पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे, आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमें मौका मिलता है बरसात का जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट तैयार कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि जी हमारी कटिंग तो चलती नहीं है, लगती नहीं है, आप कैसे इतने पौधे तैयार कर लेती हो। तो इस समय जो है फ्रेंड्स आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको प्लांट ही तैयार करने हैं अपने, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट तैयार कीजिए। फिर मिलूंगी फ्रेंड्स अगली वीडियो में, ओके बाय। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ, ओके बाय।